अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, चॉकलेट मार्बल बर्फ़ी। ये बर्फ़ी बहुत मज़े की बनती है और इस बर्फ़ी को बनाना बेहद आसान है। बच्चों को ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने घी लिया 125 ग्राम और घी को आपने मेल्ट कर लेना है। इसके अलावा 1 टीस्पून हमें चाहिए वेनीला एसेंस, 150 ग्राम हमें चाहिए मिल्क पाउडर, 150 ग्राम मैंने लिया शुगर और 2 टेबल स्पून हमें चाहिए कोको पाउडर। ये मैंने एक बाउल में घी डाल दिया है। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर डाल दें और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको साइड पे कर देंगे। अब हम चाशनी रेडी करेंगे, उसके लिए मैंने पैन ले लिया। इसमें हम चीनी डाल देंगे, साथ ही इसमें हम पानी डाल देंगे। और पानी मैंने 50 ml लिया है, पानी इसमें डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। और इसकी जो चाशनी हमने रेडी करनी है वो 2 तार से भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें वेनीला एसेंस डाल देंगे। अगर आप वेनीला एसेंस नहीं डालना चाहते, इसकी जगह आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखें, चाशनी जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डाल देंगे जो हमने रेडी करके रखा हुआ था, ये इसमें डाल दें। अब इसमें ये सारा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आपने जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो ही रखनी है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें, इसने पैंदे को छोड़ना शुरू कर दिया है। जब मुकम्मल छोड़ देगा तो आप समझिए आपकी जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें, अब ये बिल्कुल रेडी है और फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब इसको थोड़ा सा एक बाउल में निकाल लें। ये देखें, मैंने निकाल दिया। अब इसमें कोको पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये बिल्कुल रेडी है। ये मैंने पैन ले लिया और मैंने पैन को अच्छे से ग्रीस कर दिया, बटर पेपर भी लगा दिया। आपके घर में जो भी पैन अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने चॉकलेट चिप ली है और वाइट चॉकलेट चिप ली है, इस तरीके से पैन में डाल दें। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप लगा दें, अगर नहीं है तो आप मत लगाएं। ये सारे मैंने चॉकलेट चिप लगा दिए हैं। अब इस तरीके से ये डाल दें और इसको हम फैला देंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से फैला दें। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया। अब ये भी इस पर डाल दें, जिस तरह हम मार्बल केक बनाते हैं इसी तरह ये भी बनाएंगे। इसी तरह आप डालते जाएं, इस तरह लेयर्स बनती जाएंगी। ये देखिए, मैंने सारा कवर कर लिया। अब तकरीबन इसको 5 घंटे के लिए छोड़ दें। 5 घंटे हो गए हैं, बर्फ़ी जो है सेट हो गई है। लेकिन बर्फ़ी को आप जितनी देर ज़्यादा रखेंगे उतने अच्छे तरीके से बर्फ़ी आपकी सेट होगी। आप इसको कटिंग करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं किसी भी शेप में। ये मैंने नाइफ से निशान लगा लिए ताकि ईज़ीली मुझसे कटिंग हो जाए। आप इसको कटिंग करेंगे। सारे पीसेस मैंने कटिंग कर लिए हैं। एक मैं पीस आपको निकाल कर दिखाती हूँ ये कितनी मज़े की बनी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। बर्फ़ी को मैंने डिश आउट कर दिया है। ये बर्फ़ी आप बनाएं और बच्चों को बनाकर खिलाएं। ये बर्फ़ी बहुत मज़े की बनती है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरी रेसिपीज़ अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे अपना फ़ीडबैक देते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।